अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टच्या माध्यमातून जामनेरमध्ये जानेवारी 2024 होणाऱ्या भव्य दिव्य मंदिर उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्त यज्ञशाळेचे उद्घाटन वृंदावन धामचे श्रद्धेय श्री गोपाल चैतन्यजी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी बाबांनी संपूर्ण मंदिर परिसराची पाहणी करून जानेवारी 2024 होणाऱ्या मंदिर सोहळ्याच्या शुभेच्छा दिल्या। या यज्ञशाळेच्या उद्घाटनाप्रसंगी महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आमदार गिरीश महाजन हे देखील उपस्थित होते। त्यांनी संपूर्ण परिसराची पाहणी करून होणाऱ्या मंदिर उद्घाटनासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले। यावेळी नवनीत चैतन्यजी महाराज, हरीश चैतन्यजी महाराज, गोकुळ चौहान, प्रवीण राजनकर, रघुनाथ महाजन, राजू नाईक, पंडित चौहान, जयसिंग राठोड, विजू पाटील, सुहास गवळी, प्रणव पाटील, विठ्ठल जाधव, गणेश राठोड, दिलीप चौहान, चिंतामन राठोड, नटवर चौहान, लवकुश चौहान, देवीदास नाईक, पुखराज पवार, डॉक्टर प्रकाश चौहान यांच्यासह आदी भक्त परिवार उपस्थित होता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज अपने श्री गुरुदेव सेवा आश्रम में 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 2024 में ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके प्रमुख हमारे आधार स्तंभ अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार के, और अभी अभी पूज्य बाबा जी को एक अखिल भारतीय संत समिति के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद मिला। हम सबके प्यारे, हम सबके बुलारे और हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले श्रद्धेय परम पूज्य पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा वंदन। साथ ही मेरे गुरु भाई श्रद्धेय नवनीत चैतन्य जी महाराज, हमारे श्रद्धेय हरीश चैतन्य जी महाराज, आपको प्यार भरा प्रणाम और आप सभी को जय श्री कृष्ण। अभी मैं मेरा आनंद किन शब्दों में व्यक्त करूं? पूज्य गुरुदेव की ये असीम कृपा रही कि जो इतना सुंदर मंदिर बना, और बाबा जी हमने कभी भी आज तक किसी से पैसा नहीं मंगा है मंदिर के लिए, ये अपनी यथाशक्ति से। आज रवि भोग यहाँ नहीं है उनका विशेष काम आने की वजह से, लेकिन उनके दोनों बंधु यहाँ है, हमारे रवि भोग महाजन है, हमारे अरविंद भोग महाजन है, और मुझ पर प्रेम करने वाला है हमारा राजनगर परिवार, हमारे सारे सर लोग बेटे हैं, हमारा अम्बेवल परिवार है, काफी सब जामनेर परिवार जिनका प्यार अथक मिला। गुरुदेव सेवाश्रम ट्रस्ट के सदस्य है, गोकुल भाई है, राजू है, अनेक है, इन सभी के सहयोग से ये धीरे 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 आज पूर्णत्व की ओर आपकी कृपा से होने जा रहा है, और उसका विशेष आनंद है कि वो आपके मार्गदर्शन में होने जा रहा है। ये हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बड़ा स्वर्णिम अवसर होने जा रहा है कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, और 29 जनवरी से ये मंदिर का उद्घाटन में शुरुआत होने जा रही है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहा है कि भगवान श्री रामलला जी को 500 साल से इतना समय लगा, और उनके साथ साथ ये गुरुदेव सेवा आश्रम का मंदिर का उद्घाटन आपके श्री कर कमलों द्वारा होने जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। हर समय आपने मुझे एक एक बात जब भी मैंने पूछी है तो समय निकाल कर आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी हूँ। और आपने आदेश देना है कि शाम तुझे ये कार्य करना है, मैं सदैव आपके साथ में रहूंगा। दूसरी बात, आज यज्ञशाला का भूमि पूजन के लिए आपने समय दिया,
इसके लिए आपका किन शब्दों में हम धन्यवाद करें, हम तो आपके दिल में ही रहना चाहते हैं कि आपको किन शब्दों में और आपका क्या आभार मानेंगे, हम हमारी क्या लायकी है। तो बाबा जी आपका सदैव आशीर्वाद ऐसा ही हम सभी पर बना रहे, जिससे हमको सन्मार्ग, हमको अच्छा मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग, जिससे हमारा जीवन का विकास हो, हमारी पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, क्योंकि आज हमारे युवाओं को अत्यंत जरूरत है आपके मार्गदर्शन की। तो आज अधिक न बोलते हुए आपका आशीर्वचन हम सब चाहेंगे कि आप कुछ समय आपको जैसा उचित लगे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप आशीर्वाद देंगे और फिर छोटा सा सत्कार का प्रोग्राम करेंगे। बाकी आपका आज, हाँ, और एक आप सभी को मैं एक निमंत्रण दे दूं कि आज फतेहपुर के पास में सेवगा में पूज्य बाबा जी का सत्संग का आयोजन है, जिनको भी सत्संग के लिए आना है शाम को आप सभी आ सकते हैं। तो मेरे 2 शब्द आज गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित करते हुए, आज से यज्ञशाला के भूमि पूजन और कुछ ही दिनों में इस यज्ञशाला का कार्य आरंभ हो जाएगा। बाकी सारे कार्य कहाँ कैसे लेने पूज्य बाबा जी ने हम सभी को मार्गदर्शन किया है। अब मैं बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन दे। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।